हेलो गाइस, केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ नायका का हॉल शेयर करने वाली हूँ। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं उन सबके मैं हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको वो प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं क्योंकि मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, एंड मैं मेकअप के वीडियोज़ बनाती हूँ, ट्यूटोरियल्स भी मुझे बनाने होते हैं, एंड ऊपर से आ रही थी नवरात्रि, तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं लेती। तो मैंने सोचा कि मैं नायका से सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ, एंड देन जब मैंने इसे ले लिया तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया नायका हॉल का ये वीडियो शूट करने का। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, जो भी चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, और अगर आपको लेनी हो तो आप भी उसे ले सकें, क्योंकि मैं आपके साथ जो भी जैसा भी होगा हॉनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम बंसी है, मैं यहाँ पे मेकअप रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड सारे वीडियोस डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना जो बिल्कुल फ्री है, ताकि फ्यूचर में मैं जितने भी वीडियोस डालूं तो उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है बेसिकली वो बॉक्स, वो एक तो भारी है। मैंने टोटल, मैं हॉनेस्टली अगर बताऊँ, मैंने 45 आइटम्स मंगवाई थी, सारी मेकअप की थी, कुछ स्किन केयर की भी थी, और मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं वो मुझे 2 दिन में रिसीव हो गई थी। तो मुझे नायका वालों का ये बहुत अच्छा लगा, सारी चीज़ें एक साथ आ गई, एक डब्बे में आ गई, 2 दिन में आ गई, और जैसी ऑर्डर की थी, जैसी एक्सपेक्ट की थी वैसी आई है। तो आप डेफिनेटली नायका से अपनी मेकअप की चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है वाले ब्रश, ये है ब्रॉन्ज वन प्रोफेशनल प्रीमियम 10 मेकअप ब्रशेस। तो यहाँ पे ये 10 ब्रश मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये आई मेकअप के लिए आपको काम आ जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। और बात करूँ मैं इसका, ये जो ब्रशेस है ना वो बहुत अच्छे हैं। इसको ऐसे मैं ऐसे टच करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी एनिमल के, वो नहीं होता हम एनिमल को किसी पैसे सर पे ऐसे करते तो कितना हमें क्यूट क्यूट एंड वो वाला फीलिंग आता है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, और ये ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे मेकअप को ना मक्खन की तरह इजिली ब्लेंड करने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली इसे ज़रूर ट्राई कर लेना। तो अब बात करते हैं प्राइमर की, जहाँ से हमारा मेकअप जो है वो स्टार्ट होता है। विदाउट प्राइमर तो आपका मेकअप नवरात्रि में आप सिर्फ एक राउंड लगा लोगे ना खेल के, मतलब पूरा मेकअप बर्बाद होने वाला है। तो प्राइमर बहुत ज़रूरी, ले लेना अगर नहीं लिया है तो। मैं यहाँ पे आपको 3 प्राइमर सजेस्ट करने वाली हूँ। तो ये जो है मैं पहली बार मंगवा रही थी पैक वाला प्राइमर, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं सबसे छोटा मंगवाऊँ, तो लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना छोटा आएगा, ये उंगली जितना तो है मेरा प्राइमर, आप देख लो खुद, बहुत ही छोटा आ गया है। मुझे बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि लाइट चली गई है, सॉरी। तो ये पैक का प्राइमर है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है बट इसके रिव्यू बहुत अच्छे सुने हैं मैंने, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और मुझे देखना है ये वर्क करता है नहीं करता, इसलिए मैंने इसको छोटे अमाउंट में मंगवाया है। मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, उसमें मैं इसे यूज़ करूँगी, इसका रिव्यू भी बताऊँगी। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब मेकअप वीडियो डालूँ इसको यूज़ करूँ तो आपको पता चल सके गाइस। तो नेक्स्ट में यहाँ पे दूसरा, मैंने 3 प्राइमर लिए थे एक पैक का मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट मेरे पास है ये नायका का प्रेप मी अप, ये मैंने यूज़ करा हुआ है पहले, ये बहुत बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई अच्छा सा प्राइमर ढूंढ रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट, इसे चेकआउट कर लेना। इसकी प्राइस जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे दे दूंगी। तो नेक्स्ट मेरे पास है ये पोर का मिनिमाइज प्राइमर, इसे भी ट्राई कर लेना, इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा आता है। मैंने इसका छोटा वाला जो अमाउंट वाला है वो लिया है, ये इनसाइट का है। आपको बहुत बार बताया है कि इनसाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आँख बंद करके ले लेना, क्योंकि पहली बात तो ये कि बजट फ्रेंडली होते हैं और इनका वर्क बहुत अच्छा खासा होता है, मतलब सस्ती चीज़ों में बड़ा धमाका वाली बात हो गई है। तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना। इस प्राइमर लगाने के बाद हमें ज़रूरत होती है बेस की, यू कैन गो विथ फाउंडेशन या फिर यू कैन गो विथ BB & CC क्रीम। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे फिटमी का लिया है, ये तो आप सबने देखा होगा, सबको इसके रिव्यू पता है, यू कैन ऑल्सो बाय दिस। नेक्स्ट मैंने नायका का, मैं फर्स्ट बार ये यूज़ करने वाली थी, सो मैंने इसकी छोटी सी अमाउंट वाली पैकेजिंग वाली क्यूट सी ये ली है। ये नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन है, इसकी मैं बात करूँ तो मक्खन की तरह ब्लेंड होता है और अच्छा सा फिनिशिंग देता है, यू कैन ऑल्सो बाय दिस। पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छा पैकेजिंग है, लुकवाइज भी अच्छा लग रहा है।
आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये छोटा सा जो है इसको आप कैरी भी कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा सा है। तो ये है मामा अर्थ का ये ग्लो सीरम फाउंडेशन। ये मुझे ट्राई करना था, कब से करना था, फाइनली मेरे हाथ में है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी एंड आपको दिखाऊँगी कैसा है। वैसे मैंने इसको हाथ में लगा के देखा था, मक्खन की तरह भाई ब्लेंड हो रहा था, मतलब इतना अच्छा फिनिशिंग भी दे रहा था ना कि मैं आपको बोल नहीं सकती। और जो खुशी हो रही थी ना मुझे, लाइक जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही अगर निकले या उससे भी अच्छा निकले तो खुशी तो होने ही वाली है। तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस, इसको बाय कर लेना। तो नेक्स्ट बात करें अगर हम कंसीलर की, तो हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं उसको भी तो हाइड करना होता है भाई। सो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया था मैबेलिन का ये वाला कंसीलर। तो अब ये फिटमी वाले कंसीलर की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ। ये मतलब स्किन पे लगाते हैं ना, मतलब ये आया और वो गया, मतलब कवरेज इतनी दे जाता है और इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और फटाफट होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो अगर आप कोई अच्छा सा कंसीलर ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ आप फिटमी का ज़रूर ले लेना, थैंक यू मुझे बाद में बोलना। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है, आप स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है, बहुत अच्छा है। फ्रेग्रेंस देख रही थी, फ्रेग्रेंस भी ऑसम है इसकी। तो ये वाला जो कंसीलर है ना वो भी बहुत अच्छा है, यू कैन जस्ट, ये बहुत अच्छा है। इसको मैं हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ ना तो भी इतने अच्छे से ये स्प्रेड हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है ना। और फिर हमारे पास तो ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस है, तो ये क्या ही कामगिरी दिखाने वाला है। और कुछ नहीं बोलना मुझे, देख लो भाई रिजल्ट, बहुत अच्छा ब्लेंड किया, आप ये देख लो बहुत अच्छा ब्लेंड किया है, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है इनसाइट का प्रो कंसीलर पैलेट। ये जो कंसीलर पैलेट है ना, ये इसे मैं रील्स में बहुत देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैंने ली नहीं थी। तो ये है इनसाइट की कंसीलर पैलेट। बात करूँ इसके पैकेजिंग की तो बहुत अच्छा क्यूट सा छोटा सा इसका पैकेजिंग है और इसे राउंड शेप में खुलता है। आई थिंक ये कांच का है, आई डोंट नो। इसमें आपको कॉन्ट्रोल करने के लिए भी शेड मिलेगा, ऑरेंज जो शेड है उससे आप कलर करेक्टर कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी पिंपल एंड दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन योर फेस, सो यू कैन गो विद दिस ग्रीन कलर। बाकी के जितने भी कलर है उसको आप मिक्स इट करके अपने शेड का कंसीलर या कुछ भी बना के क्रिएट करके यू कैन गो विद दिस। तो आपके पास ना आपके मेकअप बॉक्स में ये वाली चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा है, आपके पास ये होना चाहिए और ये बजट में इतना हैवी भी नहीं है। तो नेक्स्ट आई हैव दिस स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। तो मैं अगर बात करूँ ना सबसे पहले इसके पैकेजिंग की, गाइज मैं इतनी सारी चीज़ें आई है ना उसमें मुझे पहली तो ये इसकी पैकेजिंग एंड एक स्विस ब्यूटी की मेकअप पैलेट है मैं आगे दिखा रही हूँ, इन दो चीज़ों की मुझे पैकेजिंग इतनी अच्छी एंड हैवी लगी है ना, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चीज़ है हमारे हाथ में, कुछ तगड़ी चीज़ पकड़ी हुई हाथ। मैंने जब इसको ओपन किया था मैं बहुत खुश हुई थी। जस्ट लुक एट दिस शेड, आप देख लो इसके, जस्ट लुक एट दिस। कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है बट डेफिनेटली बाय दिस यार, बिकॉज इतना सा लेके यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे कर दिया ना तो नवरात्रि की जो रात होगी ना उसमें आप चमक 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 जाओगे, क्योंकि जितने भी लोग होंगे ना उसमें हम पहले दिखने चाहिए और वो इस हाइलाइटर से दिखेंगे, सो डेफिनेटली बाय दिस। तो सो नेक्स्ट 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 आई हैव दिस। ये सारी पैलेट्स हैं, 1 2 3 4 चार पैलेट है मेरे पास। तो ये चार पैलेट मैंने बहुत सोच समझ के लिए, सभी के शेड्स मैंने बारीकी से देखे थे फ़ोन में जब मैं ऑर्डर कर रही थी। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्विस ब्यूटी की, ये पैलेट है। एक तो मुझे इतनी गर्मी हो रही है, एक तो लाइट मेरी चली गई, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं हम अपना काम बंद नहीं करेंगे। सो लाइट गई तो क्या हो गया, थोड़ा बस पसीना आएगा, उसे हैंडल करना है। सो या ये चीज़ देख के मेरे दिल को इतना सुकून मिला था ना, मतलब इसका पैकेजिंग देख लो, इसके शेड्स देख लो, इसकी पिगमेंटेशन देख लो, ये बहुत ही अच्छी है। अब आप बोलोगे कि बस तारीफ मत कर दिखा भी दे तो ओके, सो ये देख लो आप। ये देख के भाई मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे पहले तो शौक ही लग गया, मतलब मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, और उससे भी अच्छा निकला है। और ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना इसे ऐसे ही रखूँ पूरी ज़िंदगी, मुझे इसको ज़रा सा भी मतलब ऐसे करके नहीं बिगाड़ना, मुझे बस ये शेड बहुत अच्छे लग गए थे और बहुत ही अच्छे मुझे लगे थे, मतलब मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना इसके लिए बहुत कम है। और मैं इस बहुत एक्साइटेड एंड खुश हो रही हूँ क्योंकि ये मुझे जैसी चाहिए थी उससे भी अच्छी है। एंड चलो अब आपको दिखाई देती हूँ इसकी पिगमेंटेशन के बारे में, सो कौन सा शेड लूँ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है इसको यूज़ करते हुए बिकॉज मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहती। सो दिस इज़ आई थिंक ब्लैक शेड मैंने ले लिया। दूसरा दिखा देती हूँ, पर्पल दिखा देती हूँ एंड ग्रीन दिखा देती हूँ मैं आपको, कहाँ बट यहाँ दिखा देती हूँ, सो देखना। हाँ तो ये जो शेड है ना
मेरे दिल को टच कर गए। ये देखो, आई जस्ट लव दिस पैलेट। इसका पैकेजिंग मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं बता नहीं सकती, आप इसे ज़रूर ले लेना। तो इस पैलेट में बहुत और सारे भी शेड्स थे, मुझे ये वाले कलर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगा था तो मैंने ये लिया था। आप कोई और कलर्स भी ले सकते हो बट ये ज़रूर लेना, बहुत अच्छी है। तो दूसरी पैलेट है ये ब्लू हेवन की, और इसमें भी शेड्स आप देख सकते हो, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये उसके शेड्स हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ ना बहुत सारे कलर्स की आप आई शेडोज क्रिएट कर सकते हो, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी तो मुझे स्विस ब्यूटी की ही लगी जो मैंने आपको पहले दिखाई। तो ये दो मार्स की लास्ट बची है, क्योंकि टोटल चार पैलेट थी, दो दिखा दी, दो बची है। एक तो ना ये पैलेट्स खुलती है नहीं मुझसे, या तो मैं कम खा रही हूँ या तो ये लोग बहुत मजबूती से बना रहे हैं यार। सो लुक एट दिस शेड्स, ये पैलेट देख के भी ना मेरे मतलब जान आ गई थी मुझ में कि फाइनली आई हैव दिस, बिकॉज इसमें ये वाला जो ग्लिटरी शेड है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो इसे आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। मैं नवरात्रि के जो भी लुक्स करूँगी उसमें मैं इसे यूज़ करना बिल्कुल चाहूँगी और मैं इसे यूज़ करूँगी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। ओके तो दूसरी जो मार्स की पैलेट है उसमें मेरा दिल टूट गया। यस, मेरा दिल टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि आप देखो क्यों टूट गया मेरा दिल। जैसे ही मुझे मेकअप बॉक्स अपना ये रिसीव हुआ था तो मैं सब चीज़ें ऐसे देख रही थी, तब मेरी नज़र इस पे गई, मैंने इसे देखा, मैंने इसको ओपन किया और मैंने ये देखा। यू कैन सी यहाँ पे मेरा दिल टूटा बस। क्योंकि यार कुछ चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें बहुत हर्ट कर जाती है। मतलब एक तो ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा और उस ऊपर से ये टूटा हुआ निकला, मतलब बहुत हर्ट हुआ। बट यू कैन डेफिनेटली बाय दिस पैलेट, ये बहुत अच्छी पैलेट है। तो अगर इन चारों में से मैं आपको एक या दो ऑप्शन दूँ जो सबसे बेस्ट हैं, तो पहला मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये स्विस ब्यूटी की ले लेना एंड ये मार्स की ले लेना, छोटी सी पैलेट, ये दो ले लेना, हो गई आपकी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। मतलब अच्छी जाएगी, ये दो पैलेट सबसे अच्छी है, वो चार में से ये दो मैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगी, उसके बाद वो दो रखना चाहूँगी। सो या उसके बाद बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर्स की, जो बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन लिए हैं। एक मैंने लिया है नायका ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, ये ऑयल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये फेसेस कैनेडा का व्हाइटनेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मैंने लिया है एक, एंड एक मैंने लिया है ये फिटमी का पाउडर मैंने लिया है। तो मैं आपको सब ओपन करके दिखाती हूँ। ये है फिटमी का, जस्ट लुक एट दिस पैकेजिंग, बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग। ओपन करते ही आपको इसमें मिरर मिल जाएगा, एक स्पॉन्ज मिल जाएगा आपको, एंड मैंने ये वाला शेड लिया है जो कि मेरी स्किन से एग्जैक्ट मैच शायद कर रहा है। तो दूसरा मैंने ये नायका का लिया है, ये भी बहुत क्यूट लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो पैकेजिंग की बात करूँ, सुपर है, क्यूट है, ट्रैवल फ्रेंडली लग रहा है। देन इसको भी ओपन करते ही आपको इसमें भी एक मिरर मिल जाता है, स्पॉन्ज एक मिल जाएगा, एंड ये मेरा शेड है। तो यह है फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपको मिरर मिल जाएगा फुल, ऐसे पूरे में मिरर मिल जाएगा आपको, एंड इसका ये स्पॉन्ज मिल जाएगा, एंड इसमें ऐसा एफ़ लिखा हुआ होगा, इट्स मीन कि ये फेसेस कैनेडा का है। देखिए कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी हुए जितने भी है वो सभी अच्छे ही होते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अगर मैं इन तीनों में से कोई एक आपको कहूँ तो आप फिटमी का ही लेना, वो बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट आई हैव दिस इनसाइट का बनाना लूज पाउडर। इनसाइट की प्रोडक्ट्स तो ना आपको मेरे वीडियोस में भर भर के मिलने वाली है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही लेती हूँ। सो लूज पाउडर लेना भी बहुत ज़रूरी है, कंसीलर के बाद लूज पाउडर लगाना होता है ताकि क्रीज लाइन ना हो। अगर आप कोई अच्छा सा लूज पाउडर ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो विद दिस, ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको ट्राई करा हुआ है। और इनसाइट की जितनी भी चीज़ें हैं आँख बंद करके ले लो, अब मैं बार बार नहीं बताऊँगी आपको। उसके बाद बात करते हैं लाइनर, काजल एंड मस्करा की। तो मैंने यहाँ पे ली है पॉप शुगर की, ये तीनों की तीनों चीज़
जिसमें आपको एक मस्कारा मिल जाता है, एक काजल मिल जाता है एंड एक लाइनर मिल जाती है। ये लाइनर जो है ना वो ब्लू कलर की है, मैंने ब्लू कलर में ली थी, उसमें कलर्स भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लेना। काजल की बात करूँ तो बहुत अच्छा है, स्टे करेगा। मस्कारा भी इसका बहुत अच्छा है, वॉल्यूम देगा अच्छे से आपकी आईलैशेस को। एंड अगर आपको फेक आईलैशेस पसंद नहीं है तो आप ये लगा लेना, आपका वॉल्यूम भी बढ़ा देगा एंड बहुत हैवी लुक देगा ये। दूसरा मैंने मंगवाया था मस्कारा, ये है मैबलिन हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। ये शुगर पॉप का जो मैंने मस्कारा बताया ना उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये। ये वाटरप्रूफ है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग कि ये आपको ना इतना अच्छा वॉल्यूम देगा ना, ऐसा लगेगा कि आपने फेक आईलैशेस लगाए हुए हैं। सो यू कैन डेफिनेटली बाय इट, ये बहुत 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 अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, टिकेगा, पानी पसीना जो भी आएगा ये नहीं निकलेगा, ये सिर्फ निकलेगा मेकअप रिमूवर से और किसी चीज़ से नहीं। और नेक्स्ट मैंने ली थी ये मामा अर्थ की ये काजल है, ये भी बहुत ही अच्छी है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो ये है स्विस ब्यूटी की आईलाइनर, ये भी बहुत अच्छी है, इसे आप चेकआउट कर लेना, मैं इसकी प्राइस और सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद इनसाइड की एक और क्यूट वाली चीज़ आपको दिखा देती हूँ, ये है ब्लश, ये बहुत लोग आजकल ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा पिगमेंटेशन देता है, स्मेल भी बहुत अच्छी है इसकी एंड बहुत अच्छा है ये। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत ही क्यूट है, ऐसे राउंड राउंड शेप में खुलता है, ये इतना सा आता है, बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा ये, और ये आराम से चल जाएगा 6 महीने तक आपका, और शेड भी बहुत अच्छा है, नेचुरल लगेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 72 में ही मिल जाएगा। तो अब हम ज़रा लिपस्टिक्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, मैंने यहाँ पे ली है 1, 2, 3 एंड 4 लिपस्टिक। ये लिपस्टिक मुझे फ्री में आई है, मैं सारी आपको दिखाती हूँ, सभी के शेड्स दिखाती हूँ, लेकिन ये सभी लिपस्टिक्स दिखाने के पहले मैं एक सबसे मेरी खास फेवरेट क्यूट लिपस्टिक दिखाना चाहूँगी, वो भी मुझे एज अ गिफ्ट ही मिली है नायका की तरफ से, मुझे नहीं पता था कि मुझे वही लिपस्टिक मुझे गिफ्ट में मिल जाएगी जो मुझे पसंद है। तो मैं बात कर रही हूँ मैबलिन की ये वाली लिपस्टिक की। मैंने जब पहला यूट्यूब का वीडियो डाला था तो मैंने ऐसी ही लिपस्टिक यूज़ की थी, ये मरून टाइप या डार्क शेड है थोड़ा सा, तो ये शेड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, इतनी छोटी सी क्यूट है, मेरी फेवरेट है, और मुझे गिफ्ट में मिल गई नायका से, तो खुशी डबल ट्रिपल ऐसे हो रही है मेरी। तो ये वाली लिपस्टिक मैंने उस वीडियो में ऐसा बोला था कि मुझे नहीं पता ये आपको ऑनलाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सी ऑनलाइन मिलती है, नायका पे मिलती है, आप ज़रूर देख लेना। इसमें भी बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, आप अपना फेवरेट शेड चूज़ करके ऑर्डर कर डालो और एक बार आप लगा के देख ही लो यार, क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट है, तो या यू कैन बाय इट। दूसरी ये है स्विस ब्यूटी की सुपर मैट लिपस्टिक, ये भी मुझे एज अ गिफ्ट ही मिली है, क्योंकि मैंने 45 आइटम्स नायका से मंगवाई थी, तो इतनी सारी आइटम्स मंगवाई है तो एक दो गिफ्ट तो बनते ही है ना, ये भी लिपस्टिक मुझे गिफ्ट में ही मिली थी, और ये बेबी पिंक शेड है, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा शेड है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली लिपस्टिक। एंड आपको पिंक लाइक ऐसे सब शेड्स बहुत पसंद है एंड मैट में आपको जाना है तो यू कैन ऑल्सो बाई स्विस ब्यूटी की ये वाली लिपस्टिक। अब बात करते हैं उन लिपस्टिक्स की जो मैंने अपने पैसे दे के बाय की है। तो पहले मैंने ली है ये एलेटीन की, ये है लिपस्टिक, ये जो शेड है ना ये आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, देख लो, आप इसे डेली वेयर कर सकते हो, डेली वेयर के लिए बेस्ट है, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। उसके बाद मेरे पास है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, इसकी पैकेजिंग की बात करूँ ना तो ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, छोटा सा इसका पैकेजिंग है एंड ब्लैक कलर का पूरा लाइक है ये, एंड इतना सॉफ्ट है ना, आई जस्ट लव्ड इट, ऐसे ओपन करो एंड देन राउंड एंड पूरी प्रोडक्ट इस तरीके से बाहर आ जाएगी। एंड ये मैंने रेड कलर में ली है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। मैं इसको ऐसे ऐसे करके नहीं दिखा रही क्योंकि नई नई चीज़ें हैं ना, तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं यूज़ नहीं करी, ऐसे रहने दो, बहुत खुशी मिल रही है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस मिस क्लेयर की ये लिपस्टिक है, ये भी रेड कलर में ही है, कैमरे में ना ये थोड़ी अलग ही कलर दिख रहा है बट ये रेड है, मैं आपको दिखा दूँगी। मिस क्लेयर की एंड स्विस ब्यूटी की ये दो लिपस्टिक बहुत अच्छी है, अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लगती तो आप ये वाली बाय कर सकते हो, ये बहुत अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली बाय इट। तो नेक्स्ट मैं फिर से यहाँ पे इनसाइड की एक लिपस्टिक दिखाना चाहूँगी, ये डार्क पिंक तो नहीं बोल सकते, ये पिंक शेड है और ये बहुत अच्छा है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। अभी मैंने यही वाली लिपस्टिक अप्लाई की, आप देख लो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही लाइट वेटेड है। अब ये इनसाइड की है तो महंगी तो होगी नहीं,
तो डेफिनेटली यू कैन बाय इट। और जब लास्ट में इतना सारा मेकअप ले लिया है, अब इतना सारा अच्छा सा मेकअप भी कर लेंगे तो उसे टिकाना भी तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैंने सेटिंग स्प्रे एक लिया है, यहाँ पे मैंने इनसाइट का ही लिया है। ये जो सेटिंग स्प्रे है ना बहुत अच्छा है, ये मेरी दूसरी बॉटल है। ये आपके मेकअप को ना टस से मस नहीं होने देगा, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, आप डेफिनेटली इसे बाय ज़रूर करना, एक बार इसे ट्राई करना। ये बजट फ्रेंडली भी है, इनसाइट के प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत कम होती है लेकिन इनका काम नेक्स्ट लेवल का होता है। इसीलिए अगर आप कोई अच्छा सा सेटिंग स्प्रे ढूंढ रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट। रात को नवरात्रि में ना मेकअप करने के बाद बस 3-4 बार इसे स्प्रे कर देना, जब तक वापस आओगे ना वैसा ही रहने वाला आपका मेकअप, डोंट वरी। सो यू कैन डेफिनेटली बाय इट। तो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और भी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स मैं अब दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं दूसरा पार्ट बना के डालूंगी, या तो फिर दूसरा वीडियो बना के ऐसे भी डाल दूंगी जो नायका की प्रोडक्ट्स बाकी है। एंड मीशो से भी बहुत सारी मैंने प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवा ली है, जैसे ही वो सब प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी ना सारी की सारी, क्योंकि आधी मिली है आधी नहीं मिली, सारी मिल जाएगी ना तो मैं एक साथ शूट करके मीशो का भी हॉल कर दूंगी। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर दिखाई है, प्राइस ये सब मैं आपको तीसरी या चौथी बार बोल रही होंगी सॉरी, बट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और अगर मेरी चैनल पे नए हो तो मेक श्योर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।